दोस्तों, सोहराई पर्व की आप सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते जोहार। देखिए, आज हम लोग एक यात्रा पर आए हुए हैं। ये ठाकुर गांव के बगल में ही पड़ता है। ये आपको एंट्रेंस भी आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि पूरे भारत में दीपावली मनाई जाती है, लेकिन झारखंड ही मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दीपावली के नाम जो है अलग है। उसे सोहराई के नाम से भी जाना जाता है और लोग सोहराई पर्व मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोग सोहराई मनाते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सभी लोग दीपावली मनाते हैं। हालांकि दीपावली के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन जितने भी यहाँ के मूल वासी हैं सभी लोग सोहराई त्यौहार मनाते हैं। खास करके जितने भी आदिवासी हैं वे लोग सोहराई के नाम से जानते हैं और सोहराई का त्यौहार मनाते हैं। तो देखिए, खुशियाँ मनाने का बहुत सारा कारण रहता है, अलग अलग कारण भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए, एक सोहराई जत्रा लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर घोड़ा वगैरह होंगे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह होगा। तो देखिए, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, रास्ता जो दिखाई दे रहा है, ये है ठाकुर गांव रास्ता। और ये ठाकुर गांव बस्ती ही है। और इससे थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो इधर है खिजूर टोला, जहां पर ये जत्रा लगा हुआ है। तो चलिए आप लोग को जत्रा तक लेके चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, में आप लोग देख सकते हैं यहां पर ठाकुर गांव थाना का यहां पर है ये बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये जो गेट बना हुआ है जत्रा का, ये एंट्रेंस है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐतिहासिक सोहराई जत्रा समिति, और जो कि दिनांक भी लिखा हुआ है खिजूर टोला गुरुगांव। तो खिजूर टोला और गुरुगांव जो है एक ही जगह होता है, इसीलिए इस प्रकार यहाँ पर नाम दिया गया है। तो देखिए, ये जो रास्ता है कच्चा रास्ता है, इसी रास्ते से हम लोग होकर के आगे जाएंगे। और अगर इधर देखें तो ये जो है रांची तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अगर यहाँ से काठीटांड की दूरी बताएँ तो काठीटांड की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, और रातू रोड की दूरी जो है यहाँ से लगभग 35 या 40 किलोमीटर की दूरी होगी दोस्तों। और ये जो रास्ता है, आप लोगों को रास्ता बता देते हैं, ये जो रास्ता है सीधे काहीटांड से बुढ़मू मिलाती है। और दोस्तों, ये मेन रोड है, और आगे सुधर जाएंगे तो मॉडर्न वाला रास्ता भी है, लेकिन ये जो रास्ता है सीधे बुढ़मू तक लेकर जाती है। तो ये मेन रास्ता है। तो कुछ ही दूर हम लोग आगे जाते हैं तो वो है ठाकुर गांव चौक, जो कि आप लोग ठाकुर गांव के नाम से काफ़ी फेमस ये जगह है, तो इसे आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए आप लोगों को जत्रा की ओर आप लोगों को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार वहां पर जत्रा लगा हुआ है, कितने खुड़े आए हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग गाड़ी देखिए यहाँ पार्क कर दिए हैं, और ये है एक बाइक स्टैंड, और यहाँ पर मात्र 20 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। चलिए फटाफट चलते हैं, क्योंकि शाम होने वाली है, हम लोग काफ़ी देर से आए हैं। तो अब चलते हैं जत्रा की तरफ और वहाँ का किस प्रकार का माहौल है वो भी देखते हैं। तो एक दो भाई लोग मिले हैं, ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग कहाँ से आए जी? हम लोग यहाँ ठाकुर गांव से आए हैं। ठाकुर गांव के हैं? हम लोग भी अगल बगल के ही हैं जी। हाँ, तो ये जत्रा हम तो पहली बार आ रहे हैं, कैसा लगता है? जत्रा बहुत ही अच्छा लगता है, और बीते वर्ष नहीं आया है, जत्रा बहुत ही अच्छा लगता है। अभी जाते हैं, मेला तो पहुँचे नहीं अभी, और देखते हैं पहुँचने के बाद मेला में कैसा मेला लगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजीत राव हुआ। और आपका जी? मेरा रियाज आलम है। रियाज आलम, चलिए ठीक है, बात करके अच्छा लगा। चलिए तो दोस्तों, चलिए आप लोग को आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार का जत्रा लगा हुआ है। हालांकि हम लोग पहली बार आए हैं और काफ़ी शाम में आए हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि देखिए हम लोग भी इंजॉय करें। तो देखिए, आने के साथ में कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सीन दिखाई देता है, जो कि हरियादारू से स्टार्ट हो रहा है, और झारखंड का यही सबसे पहला नियम। तो हम लोग यहाँ पर आए, देखिए अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा है, इसीलिए तो हम लोग को दिखाते हैं किस प्रकार का यहाँ पर जत्रा लगा हुआ है। आप लोग को सबसे पहला सीन देखिए, तो जैसे हम लोग जत्रा इंटर करते हैं सबसे पहले हरियादारू पीने वाले लोग दिखाई देते हैं, और यही झारखंड का सबसे बड़ा कल्चर है। कहीं पर भी जाइएगा किसी मार्केट में, तो आप लोगों को जो है हरियादारू पीते हुए लोग दिखाई देंगे, और पीछे जो लोग दिखाई दिए थे बैठे हुए, तो वहाँ पर भी वहाँ पर हरियादारू वगैरह बिक रहा है। तो चलिए आप लोग को जत्रा दिखाते हैं कि ये कैसा है। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर नॉइज़ है, तो चलिए दोस्तों आगे चल के दिखाते हैं किस प्रकार ये जत्रा लगा हुआ है। चलो तो दोस्तों, देखिए एक सब्सक्राइबर मिले हैं, क्या नाम है जी आपका? सचिन वाली। सचिन वाली नाम है ये। दोस्तों बहुत ज़्यादा नॉइज है, इनका नाम है सचिन वाली। कहाँ रहने वाले हैं? बस खिजिकला से बगल अड्रा गाँव है, वहाँ से रहने वाले हैं।
तो चलिए अच्छा लगा मिलके, हम लोग बहुत देर से आए, पहली बार यहाँ पर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा अच्छा, आप कैसे रहे? आवाज नहीं आएगा, बस बहुत शुक्रिया, बोल रहा हूँ। चलिए अच्छा लगा मिलकर, हम लोग कोई पहचान नहीं, लेकिन चलिए आप मिले बहुत अच्छा लगा। काम करते रहिए। हाँ घर आ चुके हैं और मेला तो काफ़ी अच्छा लगा, जत्रा बहुत अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा हम लोग इन्जॉय किए वहाँ पर। पहली बार गए, काफ़ी कुछ देखने को मिला, सीखने को भी मिला
और जैसा हम लोग सोच के गए थे वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। जैसे कि झारखंड में जितने भी जत्रा होता है, जितने भी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें जो है दोस्तों खास करके आदिवासियों का जितना भी रीति रिवाज है वो देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग भी यही आशा सोच के गए थे कि वहाँ पर भी खोड़ा देखने को मिलेगी, जो झारखंड में हर जत्रा में देखने को मिलता है, जहाँ पर खोड़ा जाते हैं, रीति रिवाज से अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोग भी सोचे थे कि वहाँ पर नाच गान कुछ इस तरह का हो रहा होगा, तो उन लोगों से कुछ बातें करेंगे। लेकिन वहाँ गए तो देखे कि स्टेज तो बहुत अच्छा बना हुआ है, अच्छा लगा, और अच्छे अच्छे कलाकार भी वहाँ पर आए हुए थे, लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हम लोग भी काफ़ी देर तक इंजॉय किए, लगभग आधा एक घंटा तक हम लोग भी रुके, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार का होना चाहिए जत्रा, जैसे कि जत्रा क्यों लगता है, जैसे कि पूरे झारखंड में लोग सोहराई मनाते हैं, सोहराई जो है खास करके आदिवासियों का त्यौहार होता है, और इसमें आदिवासी लोग अपना सांस्कृतिक जो कुछ भी है रीति रिवाज वो प्रस्तुत करते हैं, ताकि जो आने वाले जो है जो लोग नहीं जानते हैं वे लोग भी इसे प्रेरणा ले सके, वे लोग भी कुछ सीख सके, जान सके, और अच्छा मैसेज जाए, और जितने भी आदिवासी हैं सभी लोग एकजुट होकर रहें, इसलिए इस तरह के जो है जत्रा लगाई जाती है। और वहाँ पर अपना अपना सांस्कृतिक का जो है प्रस्तुत करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। खैर अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे जो इस जत्रा के समिति के लोग हैं, तो इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि जहाँ पर वहाँ जत्रा लग रहा है तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने परिवारों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जोहार।